दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च हो चुका है और इसमें सैमसंग ने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। पर और भी कुछ फोन्स हैं जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, जैसे OnePlus 6T जिसमें ऑप्टिकल अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको इसी दोनों अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये साउंड का यूज़ करती है। आपने अल्ट्रासाउंड का नाम पहले भी सुना होगा, जिसमें डॉक्टर पेट के अंदर बेबी को देखते हैं, कुछ वैसा ही है यहाँ पे। दोस्तों, लाइट के रेंज की तरह साउंड की भी एक लिमिटेड रेंज होती है, 20 Hz to 20 kHz। हम इसी रेंज में सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा या कम में नहीं सुन सकते। तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर में 200 kHz साउंड वेव का यूज़ किया जाता है, जो हम सुन नहीं सकते, पर ये हमारी फिंगरप्रिंट के पूरे डिटेल को मैप कर सकता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर में मेनली दो चीज़ें होती है, एक ट्रांसमीटर और दूसरा रिसीवर। ट्रांसमीटर जो 200 kHz की साउंड वेव इमिट करता है, जो 800 माइक्रोमीटर ग्लास या 400 से 600 माइक्रोमीटर की मेटल को भी पेनिट्रेट कर सकता है। इसीलिए इसे ग्लास के अंदर लगाया जा सकता है, क्योंकि ग्लास को ये 200 किलोहर्ट्ज़ की साउंड वेव पेनिट्रेट कर सकती है। तो दोस्तों, जब आप स्क्रीन पर टच करते हैं तो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और ट्रांसमीटर आपके फिंगर पे साउंड वेव ट्रांसमिट करती है। ये साउंड वेव आपके फिंगरप्रिंट से टकरा के सेंसर पे वापस आ जाती है और फिर सेंसर डिटेक्ट कर लेता है आपकी फिंगरप्रिंट। ठीक उसी तरह से जैसे कोई चमगादड़ या डॉल्फिन अपने साउंड वेव से प्रे का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लेते हैं, तो ये अल्ट्रासोनिक स्कैनर भी यही डिटेक्ट करता है हमारी फिंगरप्रिंट में जो भी आर्च, होल, सिंपल लूप, डबल लूप, रिजेस, वैली सबसे टकरा के जो अल्ट्रासाउंड वेव सेंसर पर वापस आती है, तो सेंसर हमारे फिंगरप्रिंट का 3D मैप बना लेता है और फिर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम से प्री स्टोर्ड फिंगरप्रिंट से मैच करके आपका फिंगरप्रिंट मैच हो जाता है और स्क्रीन अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आपके फिंगरप्रिंट का 3D मैप बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल का फेस आईडी भी 3D में फेस स्कैन करता है और काफ़ी सिक्योर भी है। उसी तरह से ये अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी 3D होने के कारण कैपेसिटिव और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर से ज़्यादा सिक्योर है। कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट स्कैनर में तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए आपके फिंगरप्रिंट की रिजेस मैच की जाती है, ये भी 2D होता है पर फास्ट होता है, पर स्क्रीन के अंदर नहीं होता। और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे OnePlus 6T में है, वो लाइट के जरिए आपकी फिंगरप्रिंट स्कैन करता है। इसमें स्क्रीन के नीचे एक कैमरा होता है, फिर जब आप स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन में वहाँ की पिक्सल फुल ब्राइट में लाइट देती है, जिससे कि स्क्रीन के अंदर का कैमरा आपके फिंगरप्रिंट का हाई कंट्रास्ट फोटो ले लेता है और उसके बाद एल्गोरिदम से उसका मैच करता है। अब दोस्तों, अल्ट्रासोनिक और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक और ऑप्टिकल दोनों ही स्क्रीन के अंदर यूज किए जा सकते हैं और अल्ट्रासोनिक आपके फिंगरप्रिंट की 3D मैपिंग करता है साउंड से, जिसके कारण ये ज्यादा सिक्योर है। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट जो 2D इमेज कैप्चर करता है आपकी फिंगरप्रिंट की लाइट से, तो ये कम सिक्योर है। अल्ट्रासोनिक पे साउंड होने के कारण ये आपके फिंगरप्रिंट के भींगे होने पर भी, पसीना होने पर भी या तेल लगे होने पर भी काम कर सकता है। इस एरिया में ऑप्टिकल और कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट दोनों स्ट्रगल करते हैं और अनलॉक होने की स्पीड में अल्ट्रासोनिक स्कैनर ऑप्टिकल से फास्ट है, पर स्पीड में कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट होता है और कैपेसिटिव फिंगरप्रिंट को यूज़ करने के लिए आपको स्क्रीन ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं होती। इसके बाद अल्ट्रासोनिक में साउंड ऐसा होता है जो आपको सुनाई नहीं देता, पर ऑप्टिकल में ब्राइट लाइट स्क्रीन लिमिट करती है, जिसके कारण आपको रात में आँखों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट की मैकेनिज्म कि ये काम कैसे करता है और इसका ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर से डिफरेंस। तो दोस्तों, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉमिसिंग टेक है, पर यह अभी सिर्फ स्नैपड्रैगन 855 पे ही सपोर्ट करता है, मतलब प्रीमियम टेक है। पर ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट हो सकता है कि बहुत जल्द हमें मिड रेंज फोन में भी मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।